वेल गाइस, तो फाइनली AEW के ऑल आउट का सेमी मेन इवेंट ओवर हो चुका है और आज यहां पर शिकागो में ऑल आउट के डबल मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन उनका पहला टाइटल डिफेंस करते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर शो के ऊपर जैक पेरी को फेस करते गए। और आज यहां पर शिकागो के अंदर जैक पेरी जहां उनका स्पेशल स्पेक गोट एंट्रेंस करते गए, तो वहीं ब्रायन एक बार फिर से फाइनल काउंटडाउन के साथ अरीना के अंदर अराइव होते गए और इन दोनों के बीच में हाने करीबन 22 मिनट का लंबा मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर इलीट यहां पर मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करती गए, बट क्लॉडियो कैस्टेग्नोली व्हीलर यूता के द्वारा इलीट को रिंग साइड एरिया से भगा दिया जाता है। और इसके बाद यहां पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जहां पर ब्रायन के मैच के ओवर होने के बाद सडनली यहां पर रिंग के अंदर लुचासोरस आ जाते गए और वो यहां पर रिंग के अंदर आने के बाद क्रिश्चियन केज को रिंग साइड एरिया के ऊपर बुलाते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज उनके पूरे फैक्शन के साथ अरीना में आकर आज यहां पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैसिन करने की कोशिश करते गए, बट क्रिश्चियन यहां पर ब्रायन पर अटैक करते उससे पहले ही जॉन मॉक्सली अरीना में अराइव हो जाते गए और जॉन मॉक्सली के बाद BCC के बाकी मेंबर पैक क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और वील्टा यूजा भी रिंग साइड एरिया पर आज यहां पर क्रिश्चियन के सामने खड़े हो जाते गए, जिसके बाद क्रिश्चियन केज तो यहां पर बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए। इसके बाद शो पर जो भी होता है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि मॉक्सली यहां पर रिंग के अंदर आकर पहले तो ब्रायन को हग करते गए और इसके बाद सडनली यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली ब्रायन के ऊपर अपरकट हिट कर देते गए, जिसके बाद कि मॉक्सली और क्लॉडियो के द्वारा आज यहां पर ब्रायन डेनिसन को बीट डाउन किया जाता है, तो वहीं पैक व्हीलर यूता को पकड़े होते गए और गायर यहां पर प्लास्टिक बैग के साथ जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर ब्रायन डेनिसन का लाइव मर्डर करने की कोशिश करते गए। और फाइनली AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW पर BCC ने ब्रायन पर टर्न कर दिया है और AEW के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली पैक और जॉन मॉक्सली का हील टर्न हो चुका है।